एक प्लेबॉय और एक ब्लॉगर लड़की, ये दोनों प्यार पर बिलीव नहीं करते, पर अपने फ्रेंड से वो बेट लगाते कि एक दूसरे को प्यार में गिरा सकते हैं। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। बात जब हद से आगे बढ़ गई तो क्या अपने फीलिंग्स को ये रियलाइज कर पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी लव टैक्टिक्स 2022 की एक टर्किश रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते हम हमारी मेन कैरेक्टर एसले को देखते हैं, जो एक ब्लॉगर भी थी और फैशन डिजाइनिंग का भी उसका काम था। वो लिखती है कि लड़कियों को आदमियों में कंफर्ट अच्छा लगता है, पर आदमी उस तरीके से नहीं होते, वो हमेशा किसी और को ढूंढते रहते हैं। लड़कियों को डिटेल्स पसंद है तो लड़के अपने फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं। आज उसने एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को उसने जो कपड़े डिजाइन किए थे इसे रिप्रेजेंट किया और ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा गया। इसी के पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर करीम को देखते हैं। वो एक इंटीरियर डिजाइनिंग की फर्म में काम करता था। उसने क्लाइंट से कहा कि लड़कियां बहुत ही पर्टिकुलर होती है, हर एक चीज उन्हें परफेक्ट चाहिए। उसी तरीके से वॉल के पेंट के लिए सजेशन देता है। क्लाइंट को यह बहुत ही अच्छा लगा और वो इसके लिए मान गए। आज असली की एक फ्रेंड बहुत ही अपसेट थी। वो एक डेट पर गई, उस लड़की के साथ इंटीमेट हुई, पर बाद में उस लड़के ने उसे कॉल नहीं किया। उसने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की थी पर वो पिकअप भी नहीं कर रहा था। असली कहते थे कि तुमने इसी बात पर गलती कर दी, तुम्हें इस रिलेशनशिप को स्लोली स्लोली आगे बढ़ाना चाहिए था। तुम अगर इतने बार उसे कॉल करोगी तो उसे लगेगा कि तुम नीडी हो और इस वजह से तुम्हें वो इग्नोर कर देगा। लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए जो भी टैक्टिक्स असली यूज करती थी, इस सब कुछ वो अपने ब्लॉग पर डालती थी। एक कमेंट आया, अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो एक लड़के को अपने प्यार में गिरा कर दिखाओ। असली ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है, हर एक स्टेप पर मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, एक प्लेबॉय लड़के को ढूंढूंगी और उसे अपने प्यार में गिराऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि करीम को उसके बॉस ने बुलाया था। करीम बहुत ही अजीब तरीके से अपने क्लाइंट्स को सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है। ये बॉस को अच्छा नहीं लगा और उसके कैंपेन उसने ले लिया। बेचारा अपसेट होकर अपने फ्रेंड के पास आया, पर फ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। करीम कहता कि तुम्हें इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड ने कहा कि तुम कभी भी नहीं समझोगे, एक रात से ज्यादा तुम कभी भी एक लड़की के साथ नहीं रहते, तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते। करीम ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ लड़कियों को फिगर आउट कर लिया है, ये चीज मैं कर सकता हूँ। उसने भी अपने फ्रेंड से बेंट लगाए कि एक लड़की को ढूंढेगा और उसे अपने प्यार में गिराएगा। असली समझते कि आदमी बहुत ही सिंपल होते हैं, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होती है। करीम का मानना था कि लड़कियां बहुत ही पर्टिकुलर होती है, हम आदमी उनके लिए एक प्रोडक्ट होते हैं तो उस तरीके से हमें रिप्रेजेंट होना चाहिए। वो परफेक्ट कपड़े पहनता है और अच्छे से रेडी होता है। रात में ये सब एक क्लब में पहुंच गए। करीम के फ्रेंड असली को चूज करते हैं और असली के फ्रेंड ने करीम को चूज किया। इनका गेम अब से स्टार्ट हो जाता है। करीम तुरंत उसे अप्रोच नहीं करता। असली उसके पास से गुजरी और पार में चली गई। वहां पर एक आदमी उसे बात करने लग जाता है। असली उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, पर वो बहुत ही चिपकू था। उसे उस आदमी से दूर करने के लिए करीम उसके पास चला गया और उसने प्रिटेंड किया कि वो दोनों एक कपल है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। असली ने कहा कि मुझे मेरे फ्रेंड के पास जाना चाहिए। करीम कहता है कि वो आदमी अभी भी तुम्हें ही देख रहा है, तुम्हें जरा थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। अपने फ्रेंड से उसने उसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। थोड़ी सी बात करके वो चली जाती है। करीम के फ्रेंड्स ने कहा कि वो बहुत ही टफ है। थोड़ी देर में करीम असली के लिए ड्रिंक लेकर आया। असली की फ्रेंड करीम के फ्रेंड को नोटिस करती है और उसे अच्छा लगा। थोड़ी देर में वो दोनों डांस करने लग गए। क्लब से निकलते वक्त फ्रेंड ने असली से कहा कि वो तो चला गया, अब तुम क्या करने वाली हो। असली ने कहा कि तुम्हारे थ्रू हम दोनों फिर से मिलेंगे, ये सब उसी का प्लान था। यही ट्रिक करीम ने भी की थी, एक दूसरे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दे। असली को पता चला कि करीम एक प्लेबॉय है। करीम को सिंपल लगती है। इन्होंने डिसाइड किया था कि असली की फ्रेंड करीम के फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाएगी। वहां पर वो प्रिटेंड करेगी कि कोइंसिडेंस से वो करीम से मिली है, इससे इनकी बात आगे बढ़ेगी। इसी टाइप का प्लान करीम ने भी किया था। इनका प्लान सेट हुआ, पर एन वक्त पर असली का बॉस उसे एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाने के लिए कहता है। करीम को भी काम की वजह से उसी पार्टी में जाना पड़ रहा था। दोनों को बुरा लग रहा था कि एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि दोनों एक ही पार्टी में है। पूरे पार्टी में एक दूसरे पर इनकी नजर ही नहीं पड़ती। एक लेडी करीम से बात करती है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जानती थी। उसने कहा कि वो तुम्हें बहुत ही मिस कर दिया और इसी पार्टी में वो भी प्रेजेंट थी। करीम उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। गलती से एक गेस्ट पर असली की ड्रिंक गिर गई और इसी वजह से वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। वो दोनों पार्टी से निकले और एक ही कैब में बैठते हैं। असली ने कहा कि जल्दी इस कैब से निकल जाओ, मुझे इस पार्टी से बाहर जाना है। करीम कहता है कि मेरी भी इमरजेंसी है, क्यों ना हम दोनों एक ही कैब में जाएं। असली इस बात के लिए मान जाती है। करीम ने कहा कि वैसे भी आज बहुत लेट हो चुका है, अगर तुमने अब तक डिनर नहीं किया तो एक जगह पर हम डिनर के लिए जा सकते हैं। असली इस बात के लिए मान गए। उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में लेकर आया। ये देखकर वो हंसने लग गए
उसने कहा कि क्या हर एक लड़की को तुम यहीं पर लेकर आते हो। वो समझ गई थी कि करीम हमेशा लड़कियों को एक अच्छा सा रोमांटिक डिनर करवाता है, उसके बाद उसके प्यार में पड़ जाती है। वो डिनर करने लग गए और एक फाइनलिस्ट को करीम ने बुला लिया। ये देखकर असले और भी बहुत हंसती है। उसने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा क्लिशे हो, क्या ये सब चीजें देखने के बाद लड़कियां तुम्हारी पागल हो जाती है। करीम बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड हुआ था। असले को घर पर छोड़ने के बाद उसने कहा कि आज की रात बहुत ही अच्छी थी, पर असले उसे कुछ भी भाव नहीं देती। उसने अपने माइंड में इन सब चीजों का रिवेंज लेने का डिसाइड कर लिया था। असले जानबूझकर कैब में अपना स्कार्फ भूल जाती है, यानी कि करीम फिर से उसे देने के लिए आएगा। करीम विदाउट रिटर्निंग ही चला जाता है। अगले दिन असले अपने ब्लॉग में लिखती है कि उसे करीम थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया और इस बेट के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा। करीम ने भी अपने फ्रेंड से कहा कि असले बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, पर उसे ये सब करना पड़ेगा। असले बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि आज करीम उसे उसका स्कार्फ देने के लिए आने वाला है। डोरबेल रिंग कर दिया, पर ये सिर्फ एक डिलीवरी मैन था। करीम ने पार्सल में उसका स्कार्फ भेज दिया था। ऐसा जानबूझकर उसे ट्रीट करना इसे उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कॉन्फिडेंट था कि असले उसे कॉल करेगी और असले को लगता है कि करीम उसे कॉल करेगा। ये दोनों पूरे दिन कॉल का वेट ही करते रहते हैं। सुबह इन्हें कॉल आया तो क्लाइंट के लिए एक नई सिटी में फ्लाइट लेकर उन्हें जाने पड़ने वाला था। दोनों बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। फ्लाइट में इनकी सीट्स बगल में ही बुक हुई थी। असले को लगा कि करीम ने उसका पीछा करते करते फ्लाइट बुक कर ली, इसे उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऑपोजिट में करीम को लग रहा था कि असले ने भी उसका पीछा करते हुए फ्लाइट बुक कर ली है। दोनों इसके बारे में बात करते हैं तो असले ने कहा कि आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके पीछे मैं एयरपोर्ट तक भागूंगी। ये देखकर करीम भी हंसने लग गया कि तुम्हारे लिए इतना सब कुछ मैं नहीं करूंगा। इनकी पूरी फ्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग में ही गई। ये एयरपोर्ट पर उतरे तो दोनों को ले जाने के लिए कार आई हुई थी। इसका मतलब है उन दोनों ने ऐसा कुछ भी ड्रेसपेट किया नहीं था। जिस क्लाइंट ने उन्हें बुलाया हुआ था उसने दोनों की एजेंसी बाय कर ली थी और उनके साथ वो काम करना चाहता था। क्लाइंट को असले बहुत पसंद आती है और उसे स्पेशली ट्रीट करता है। असले फिर अपना प्लान कंटिन्यू कर दिया। उसने ब्लॉग पर लिखा कि जेलसी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है। अगर करीम को लगेगा कि शायद मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो मेरे पीछे भी जो आएगा। अच्छे से रेडी हुई और करीम के सामने क्लाइंट के साथ टाइम स्पेंड कर दिया। क्लाइंट ने करीम को अपनी डॉटर से इंट्रोड्यूस करवाया और एक करीम की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इन दोनों को उसने इनवाइट किया था ताकि वो करीम के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। डिनर के वक्त भी उसके साथ वो फ्लर्ट कर दिया। उन दोनों को करीब देख असले को ही जेलस होने लग गए। वो एक दूसरे को जेलस फील कराने का बहुत ट्राई करते हैं। इनके रूम बगल में ही थे। उन दोनों को लग रहा था कि एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। डोर पर नॉक आए पर करीम की एक्स गर्लफ्रेंड उसे मिलने के लिए आई हुई थी। वो ये थी कि मुझे बताया कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस सिर्फ कमिटमेंट से डर रहे थे। अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। वो करीम के साथ इंटीमेट होने लग गई। करीम उसे रोक लेता। उसने कहा कि मेरा प्राइवेट पार्ट काम नहीं कर रहा। उस पर घोड़े की लात पड़ी थी। एक्स गर्लफ्रेंड को ये बात सच लगी। उसने कहा कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। वो फिर भी उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। एक रात ये सब लोग फिर से डिनर करने के लिए आए। असले जानबूझकर क्लाइंट के साथ करीबियां बढ़ा रही थी ताकि करीम और भी ज्यादा जेलस हो जाए। क्लाइंट ज्यादा ही पास आने लग जाता है जो असले को पसंद नहीं आता, तो करीम उसे बचाने के लिए उनके पास बैठ गया। उसने बहुत सारे ड्रिंक्स मंगवाए। क्लाइंट ड्रिंक करता है। असले और करीम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो ड्रिंक कर रहे हैं, पर वो नीचे गिरा रहे थे। ज्यादा ड्रिंक की वजह से क्लाइंट उल्टिया करने लग गया। करीम ने कहा कि हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना हम इनका ही ख्याल रखते रहेंगे। उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आया। असले ने कहा कि नई कंट्री में तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, क्योंकि इन सब जगह पर तुम किसी को भी नहीं पहचानते। एक्चुअल में करीम असले को उसके अंकल के पास लेकर आया था। उसे देखकर बहुत खुश थे। वो अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए किसी भी लड़की को घर पर लेकर नहीं आता। उसे देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश थी। असले ने करीम की उसके फादर के साथ फोटो देखी। जब वो छोटा था तभी फादर गुजर गए थे। उसकी मदर के बारे में पूछती है, पर करीम में बात सुनकर वहां से उठकर चला जाता है। अंकल की वाइफ ने कहा कि करीम जब बहुत ही छोटा था तभी उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी। इस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसने आज तक किसी भी लड़की को यहाँ पर लाया नहीं था। तुम बहुत ही स्पेशल होगी। असले करीम के पीछे गए तो पॉटरी के वर्कशॉप में था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल से पॉट्स बनाता था। एक पॉट वो असले को दिखाता है। उसने कहा कि जब भी हस्बैंड घर से दूर होता था तो औरतें इसमें अपने आंसू डालती थी। असले इससे इमोशनल हो गई थी, पर फिर भी वो पूछती है, क्या तुम हर एक लड़की को यहीं पर लेकर आते हो? कि ये भी तुम्हारी कोई ट्रिक है? करीम ने कहा कि मेरे फादर ने मुझे पॉटरी सिखाई थी, क्या तुम्हें करना अच्छा लगेगा? ये पॉट बनाते हुए एक दूसरे के करीब आ गए थे। असली इसे जरा दूर चली गई। करीम ने कहा कि आज जरा ज्यादा ही लेट हो चुका है, इस वक्त पर हम एक ही चीज कर सकते हैं। उसने स्कार्फ लिया और असली की आंखों में बांध दिया।
वो कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो और मेरे साथ चलो। उसे डायरेक्टली एयर बलून के पास लेकर आता है। वो बहुत ही डर रही थी पर फिर भी उसे ट्रस्ट करने के लिए उसने कहा। जब वे जरा ऊपर चले गए तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो हमेशा हाइट से बहुत ही ज्यादा डरती थी। फ्लाइट में जब भी वो आती है तब गोली ले लेती है। करीम ने उसे सहारा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो, बस मेरे साथ सांस लो। उसे पूरी तरीके से शांत कर देता है। यहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। असली इस ब्यूटीफुल सी नाइट के लिए उसे थैंक यू कहती है। वो अपने रूम में चले गए और दोनों को लग रहा था कि एक दूसरे के करीब आ जाए पर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद करीम के फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि जब से वो असली के साथ है उसने किसी भी लड़की के बारे में सोचा भी नहीं है। असली अपने ब्लॉग में लिखती है कि करीम उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। उसे करीब से जानने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही अलग है। इस ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट आया कि क्या तुम उसके प्यार में पड़ रही हो। इस बात से असली को बहुत बुरा लगता है। रात में करीम उसे मैसेज करता है, क्या कल रात हम दोनों डिनर कर सकते हैं। असली ने ब्लॉग में लिखा कि आपको कभी भी तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहिए। वो करीम को एक दो घंटे वेट करवाने वाली थी पर उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। उसे मैसेज कर देती है मुझे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। करीम खुद कुक करने वाला था। असली ने ब्लॉग में लिखा कि फर्स्ट किस बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इसमें वो करीम को वेट करवाएगी। वो बहुत ही नर्वस थी तो बहुत सारे ड्रिंक को ले रही थी। करीम ड्रिंक देने के लिए उसके पास आ गया। असली को लगा कि वो उसे किस करेगा पर उसने ऐसा किया नहीं। वो भी उसे टीज करना चाहता था। वो थोड़ी देर में फिर से उसके पास आता है, कहता है कि मेरे साथ चलो। गार्डन में उसने बेड लगवाया था और प्रोजेक्टर पर असली की फेवरेट मूवी वो लगाता है। असली बहुत सरप्राइज थे कि करीम को उसकी फेवरेट मूवी भी पता है। ये एक रोमांटिक मूवी थी और बारिश में जब हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं तभी करीम के गार्डन में भी बारिश आने लग गई। ये सब कुछ उसने प्लान किया था। असली इमोशनल हो गए और इनकी फर्स्ट किस थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग गए पर असली कहती है कि यही सब चीज़ें तुम हर एक लड़की के साथ करते हो। करीम कहता है कि तुम बात क्या कर रही हो। असली ने कहा कि मुझे एक ऐसी बात बताओ जो तुमने किसी भी लड़की से की ना हो। करीम ने कहा कि नीचे जो पियानो है वो मेरी मदर का है, उसे मैं प्ले नहीं कर पाता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने मेरी मदर को माफ़ कर दिया है और उसे मैं बेच भी नहीं पाता। बेचने का सोचकर मुझे लगता है कि मेरी मदर हमेशा मुझसे दूर चली जाएगी। ये बात सुनने के बाद असली और वो बात करने लग गए। एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते। बीच रात में असली नीचे आ गए और वो पियानो बजाने लग गए। करीम भी उसके पास आकर उसके साथ पियानो बजाने लग जाता है। फाइनली अपनी फीलिंग्स को असली की वजह से उसने कन्फ्रंट किया था। अपनी फीलिंग से वो डरता था और इसी वजह से हर एक लड़की से वो दूर चला जाता। ये दोनों करीब आ जाते हैं और इसके बाद इंटीमेट हो गए। अगले दिन करीम के फ्रेंड्स ने उसे पूछा कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था, तो करीम उन्हें कुछ भी नहीं बताता। असली की फ्रेंड उसे पूछते कि हुआ क्या। उसका ब्लॉग बहुत ही फेमस हो गया था और हर एक को जानना था। असली ने कहा कि ये सब करना सही नहीं है। उसकी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गई कि असली को भी करीम से प्यार हो गया। एक फ्रेंड कहती कि हमें उसकी फोटो दिखा। उसने फोटो देखी तो करीम वही लड़का था जिसने उसे कॉल नहीं किया था। उसकी फोटो देखकर वो फ्रेंड बहुत ही अपसेट हो गए तो असली को भी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि सब गलती मेरी है, मैं ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। अब मैं उसे दिखा कर रहूँगी कि किसी को हर्ट करना क्या होता है। आज रात वो डिनर के लिए करीम से मिली और वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। करीम कहता कि कल रात मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ पर मैं तुमसे प्यार करने लग गया। करीम का फ्रेंड ने लाइव स्ट्रीमिंग देख लेता है। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की पर करीम पिकअप नहीं करता। असली सिर्फ उसे थैंक यू कहती है। उसने कहा कि तुम हर एक लड़की के साथ जो करते हो आज वो तुम्हारे साथ हुआ। उसे सब कुछ सच सच वो बता देती है कि सिर्फ एक चैलेंज था। उसे हर्ट कर चली गई और इससे उसे बहुत बुरा लगा। दोनों का मन नहीं लग रहा था। अगले दिन असली के बॉस ने उसे बुलाया और फायर कर दिया। वो कोई भी रीज़न नहीं बताता। करीम से मिलने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई। उसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ पर अब एटलीस्ट मुझे पता है कि तुम किसी से प्यार कर सकते हो। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसलिए मेरे साथ लंदन चलो। असली ने तुम्हारे साथ जो भी किया इसके बाद मैंने उसे फायर कर दिया है। असली अपने सब सामान में करीम ने उसे जो पॉट दिया था ये देखकर बहुत रोती है। थोड़ी देर में उसके बॉस ने उसे फिर से वापस बुलाया और जॉब उसे वापस दे देता है। असली ने कहा कि अब मैं खुद आपके साथ काम नहीं करना चाहती। पैरेलल में करीम को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जाता हम देख सकते हैं। असली ऑफिस से निकली और करीम और असली के सारे फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आए। करीम का फ्रेंड कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें जॉब से निकाला हुआ था, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाए इसीलिए करीम उसके साथ जा रहा है। वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, प्लीज जाकर उसे मना लो। करीम ने जिस असली के फ्रेंड को हर्ट किया था उस फ्रेंड ने कहा कि मैंने कभी भी करीम के लिए केयर नहीं किया था, तुम उसे प्यार करती हो तुम्हें उसे चेस करना चाहिए। ये सब मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ मूविंग ट्रक्स थे।
असली की फ्रेंड सबको गालियां देकर भगा देती है। बहुत ट्राई करने के बावजूद भी ट्रैफिक में फंस चुके थे। असली एक डिलीवरी बॉय को देखती है, उसके साथ वो एयरपोर्ट आ गई। फ्रेंड्स ने उसके लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली थी। वो जल्दी से भाग रही थी, तब तक करम अपने फ्लाइट में था। फ्लाइट में कुछ लड़कियां कहती कि असली ने अपना ब्लॉग अपडेट किया है। करम तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेता है। असली ने लिखा था कि करम के साथ मैंने बहुत ही बुरा किया। आदमी अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करता है, पर हम इस तरीके से उसे हर्ट नहीं कर सकते। मुझे भी उसे प्यार हो गया था, पर बदला लेने के चक्कर में मैंने उसे हर्ट कर दिया। शायद ऐसा चांस फिर से मुझे मिलेगा नहीं। ये पढ़कर करम फ्लाइट से उतर जाता है। उसे रोकने की कोशिश की गई, पर फिर भी वो किसी की भी बात नहीं मानता। असली का जब टिकट चेक हुआ तो ये नेक्स्ट फ्लाइट का था। वो फिर भी जबरदस्ती अंदर घुस आए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर आई लव यू कहते और गले लगा लिया। इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस ने एक ही हथकड़े में उन्हें अरेस्ट कर लिया। करम मजाक में कहता है कि तुमने तो कहा था किसी भी लड़के के लिए तुम एयरपोर्ट पर नहीं भागोगी। असली कहती कि लड़की की हर एक बात को सीरियसली मत लिया करो। वो दोनों रियलाइज करते हैं कि इनकी लव स्टोरी भी क्लीशे ही थी, पर इन्हें वो एक्सेप्टेड है। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।